नमस्कार मित्रों, जीवन जड़ी बूटी चैनल में आप सभी का मनपूर्वक स्वागत। मित्रों, आज हम जानेंगे इस वीडियो में तालम खाना की पहचान और इसके उपयोग। जो सामने वनस्पति दिख रही है, ये जो नुकीले कांटे आप दिख रहे हैं, ये देखिए, इसको ऐसे नुकीले कांटे होते हैं और ऐसे नीले पुष्प होते हैं। मित्रों, यह वनस्पति तालम खाना है। नदी के किनारों पर पानी जम जाए वहाँ पर बहुत मात्रा में दिखती है। बरसात में उगने वाली यह वनस्पति अत्यंत पौष्टिक, बल को बढ़ाने वाली, शक्ति बढ़ाने वाली, वीर्यवर्धक तथा वीर्य के शुक्रतंतु बढ़ाने वाली होती है। मित्रों, इस वनस्पति के ढेरों उपाय हैं, इसमें से आज हम कुछ उपाय इस वीडियो में जानेंगे। इसके पहले आप हमारे चैनल पर नए होंगे तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, बेल आइकन का बटन भी दबा दीजिए। तो मित्रों, यदि आपको कफ खांसी की शिकायत है, कफ खांसी की तकलीफ है, तो इसके लिए आप तालम खाना के पत्तों का चूर्ण दो दो या तीन तीन ग्राम की मात्रा में सुबह शाम शहद के साथ लेते हैं तो कफ खांसी 3 या 4 दिन में ही छूमंतर हो जाती है। मित्रों, यदि आपको अतिसार की तकलीफ है तो इसके लिए तालम खाने के बीजों का चूर्ण 3 या 4 ग्राम की मात्रा में दही के साथ लेने से अतिसार केवल 2 दिन के अंदर समूल नष्ट हो जाता है। किसी मेरे भाई को यदि पथरी हुई होंगी, पथरी की तकलीफ होती होंगी, गुर्दों में दर्द होता होगा, तो इसके लिए गोखरू, तालम खाना तथा एरंड, इन तीनों की जड़ लेकर दूध के साथ घिसकर लेने से पथरी टूट फूट कर निकल जाती है। यदि आपको ये उपाय नहीं जमा तो आप केवल तालम खाना के मूल का क्लॉथ, मतलब काढ़ा, 10 या 20 मिली की मात्रा में लेते हैं सुबह शाम, तो 1 महीने के अंदर आपकी पथरी टूट फूट कर निकल जाती है। मित्रों, यदि भगंदर की तकलीफ है तो भगंदर की तकलीफ दूर करने के लिए आपको तालम खाना के मूल का काढ़ा 10 या 20 मिली की मात्रा में सुबह शाम देने से भगंदर की तकलीफ में आशातीत आराम होता है। मित्रों, इसका एक अत्यंत वाजीकरण वीर्यवर्धक उपाय मैं आपको बताने वाला हूँ कि जिस उपाय से आपका सेक्स पावर, आपका टाइमिंग बहुत बढ़ेगा। तो उसके लिए आपको क्या करना है, तालम खाना लेना है, कोच के बीज लेना है, काली मूसली, गोखरू, विदारी कंद, आसकंद, मतलब अश्वगंधा, इन सभी चीज़ों को समभाग मात्रा में लेकर इसका चूर्ण बनाकर सुबह शाम आप यदि गाय के 1 गिलास दूध में सुबह शाम लेते हैं तो 21 दिन में आपका वीर्य में के शुक्रजंतु भरपूर बढ़ेंगे, आपका वीर्य स्तंभक होगा, मतलब सेक्स पावर टाइमिंग बहुत बढ़ेगा। तो मित्रों, यदि आपको हमारी जानकारी पसंद आती है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, बेल आइकॉन का बटन दबा दीजिए। धन्यवाद।